नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन ज्ञान में। दोस्तों, मेडिसिन ज्ञान में हम आपको अलग अलग मेडिसिन के बारे में जानकारी देते हैं, वो भी सिंपल और साधारण भाषा में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं ओसलेक्स सिरप के बारे में। दोस्तों, ओसलेक्स सिरप एक एलोपैथिक मेडिसिन है, यानी अंग्रेजी दवाई है, जिसका कंपोजिशन होता है सोडियम पीकोसल्फेट। दोस्तों, ये ऑप्सर्स फार्मास्यूटिकल्स का है और इसका काम होता है कि आपने देखा है कि लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं हो पाता और पेट साफ न होने की वजह से पाइल्स, फिशर्स और भी ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं जो आपकी रूटीन लाइफ, डेली लाइफ और पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से खराब कर देते हैं। तो पेट का साफ होना हमारे लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी कि हम जब जो चीज खाते हैं वो सुबह हम जब फ्रेश होने जाए तो पेट हमारा पूरी तरह से साफ हो जाए, जिससे हम आगे का अपना जो रूटीन है वो ठीक तरह से कर सके। तो दोस्तों, ये जो सोडियम पीकोसल्फेट कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन कई सारी कंपनियों का आता है। सोडियम पीकोसल्फेट क्या करता है कि जैसा कि आपने देखा हो कि सब जानते हैं कि जब हम खाना कुछ खाते हैं तो खाना पहले बड़ी आंतों में जाता है, फिर उसके बाद छोटी आंतों में जाता है। तो इसका काम होता है कि जो हमारी आंतें हैं उनको ज्यादा एक्टिव कर देना, ताकि जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेशन है वो खाने को लेकर जो हम चीज खा रहे हैं उसको आराम से पच जाए। और साथ ही साथ जब हम देखते हैं कई बार कि हम जब कुछ खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एक प्रक्रिया होती है बॉयल्स की, कई बार बॉयल्स अच्छी तरह नहीं बन पाते जिससे हमारा खाना पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से पच नहीं पाता और जो डाइजेशन है पूरी तरह से नहीं हो पाता, हमारा जो पेट है पूरी तरह से फ्रेश उसको नहीं कर, पेट पूरी तरह फ्रेश नहीं हो पाता। तो ये जो सोडियम पीकोसल्फेट कॉम्बिनेशन है, इसका काम है कि हमारे पेट को पूरी तरह से साफ कर दे। इसको लेना ऐसे है कि रात को सोते टाइम आप इसको 2-3 चम्मच, जैसे कि आपकी प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आप अपने अभी स्टार्ट किया है तो रात को 2 चम्मच स्टार्टिंग कीजिए। अगर आपको लगता है कि 2 चम्मच से आपका पेट पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है तो नेक्स्ट डे आपको 3 चम्मच भी कर सकते हैं। और जैसी जिसकी प्रॉब्लम है इसी तरह उसकी डोज को कम ज्यादा किया जा सकता है। अगर कोई छोटा बच्चा है, जैसे कि आपका 5-6 साल का या 10 साल का ऐसा है, तो उसको भी आप 2.5 ml, 5 ml अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉब्लम आप इसको दे सकते हैं। तो इसका काम होता है कि आपकी जो पेट में कब्ज की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने का। तो अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो एक बार इसका प्रयोग कर सकता है, और इसको लेने के बावजूद अगर पेट फ्रेश नहीं होता, प्रॉब्लम कंसिस्टेंटली ऐसी बनी हुई है, तो एक बार अपने डॉक्टर को जरूर इसके बारे में बताएं और अपना आगे का ट्रीटमेंट जरूर अपने डॉक्टर से करवाएं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।